तो गाइस आप लोगों ने तो काफी सारे जेब्रोनिस के प्रोडक्ट्स यूज करे होंगे, लेकिन एक चीज जो है जेब्रोनिस काफी अच्छे प्रोड्यूस करता है वो है मॉनिटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खुलासा करेंगे मॉनिटर का, वो भी जेब्रोनिस का 24 इंच का मॉनिटर यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो इसका खुलासा करके आप लोगों को बताएंगे कि इसको परचेस करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे या फिर नहीं, क्योंकि ये जो प्राइस है ना काफी कम में मिल रहा है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे इतनी अच्छी क्वालिटी का मॉनिटर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है वो भी तो देखना पड़ता है, उसके बाद ही तो रिव्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक बड़ा सा मॉनिटर का बॉक्स, जो कि जेब्रोनिक्स की तरफ से काफी अच्छी क्वालिटी का बॉक्स यहाँ पर मिल रहा है। सो चलिए बॉक्स के अंदर से हमारा मॉनिटर को भी तो निकालते हैं। सो एक एक करके मॉनिटर को धीरे से निकाल लेते हैं एंड मॉनिटर को निकालने के बाद हमें देखने को मिल जाता है काफी सारे एक्सेसरीज, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बड़ा सा बुक की तरह है एक मैनुअल, जिसमें सभी कुछ मेंशन किया गया है इसके बारे में, कैसे 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 चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, सभी कुछ मेंशन किया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है 40 वाट का एक पावर एडाप्टर, जिसकी मदद से आप लोग मॉनिटर को पावर सप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक AUX केबल, जिसकी मदद से आप लोग आपका जो मॉनिटर का ऑडियो है उसको अपने साउंड बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, कंप्यूटर या फिर वगैरह जो भी रहेगा उसके अंदर सप्लाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं AUX केबल की मदद से। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है VGA केबल, जिसकी मदद से आप लोग मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने PC के साथ। आप लोग चाहे तो दुकान से या फिर ऑनलाइन से एक HDMI केबल खरीद के उसे यूज कर सकते हैं इस मॉनिटर के साथ। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है मेटल स्टैंड, जिसको आप लोग मॉनिटर के पीछे लगाना पड़ता है, नहीं तो मॉनिटर खड़ा नहीं हो पाएगा। सो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में कनेक्ट करेंगे। एंड गाइस चलिए निकालते हैं मॉनिटर को हमने थर्मोकोल के पैकेट के अंदर से। सो निकालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर में मिल जाता है हमें। एंड मैंने इसको व्हाइट कलर में ही परचेस किया था, क्योंकि व्हाइट कलर काफ़ी अच्छा लुकिंग के साथ मिलता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मॉनिटर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। बाय द वे नीचे की तरफ काफ़ी सारे कुछ बटन वगैरह सभी कुछ मिल जाता है। सो गाइस सबसे पहले तो मॉनिटर को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे। सो यहाँ पर हमें दो स्टैंड मिलता है, स्टैंड बोल सकते हैं एक ही है बट इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है। सो सबसे पहले तो एक को कनेक्ट कर लेते हैं अपने मॉनिटर के साथ, जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ उस तरीके से आप लोग भी कनेक्ट करिएगा तो ही कनेक्ट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कनेक्ट कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से, एंड उसके बाद कनेक्ट करते हैं और एक मिला था नीचे की तरफ का जो पोर्शन है उसको भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। सो कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें चार पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, पहला तो HDMI, उसके बाद VGA, उसके बाद ऑडियो एंड DC पावर सप्लाई पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं हमने DC पावर सप्लाई के साथ, उसके बाद हमारा जो HDMI केबल है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं हमने मॉनिटर के साथ। सो फाइनली हमारे मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सो अभी बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बटन देखने को मिल जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बटन मिल जाता है, जो कि एक जॉयस्टिक है, जिसकी मदद से आप लोग इसे ऑन ऑफ कर पाएंगे, फिर कंट्रोल कर पाएंगे, मेनू में जा पाएंगे, सभी कुछ एक ही बटन से कर पाएंगे। एंड हम लोग चाहे तो इसके अंदर सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, सभी कुछ यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे इस एक ही जॉयस्टिक से। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है जेब्रोनिस की तरफ से दो स्पीकर, जहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑडियो क्वालिटी घटिया मिलेगा, घटिया गाइस ओरिजिनली घटिया मिलता है। मतलब जेब्रोनिक्स एक अच्छी खास ब्रांड है, जहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे स्पीकर मिल जाता है जेब्रोनिक्स की तरफ से, बट जेब्रोनिक्स ने इस मॉनिटर के अंदर बेकार सा एक साउंड क्वालिटी दे के रखा है। मतलब आप लोग अगर टेम्पोरेरी यूजर्स के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर प्राइमरी यूजर्स करेंगे तो नहीं होगा। एकदम नॉर्मल से साउंड मिलता है काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे प्लास्टिक ही मिलेगा, बट नॉर्मल क्वालिटी का प्लास्टिक है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है थिकेस्ट मॉनिटर बोल सकते हैं, काफ़ी पतला मॉनिटर है, काफ़ी पतला, मतलब इस प्राइस पॉइंट पर इतना पतला मॉनिटर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले यहाँ पर हमें मिल जाता है 24 इंच का एक LED फुल HD मॉनिटर, जहाँ पर आप लोगों को IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 75 GHz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 16.7 मिलियन का कलर्स मिल जाता है इसके अंदर। एंड यहाँ पर हमें 16.9 एक्सपेक्ट रेशियो भी देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर हमें 250 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं डिस्प्ले का एक्चुअल क्वालिटी यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब खुद तो बोलेगा कि हमारा डिस्प्ले ऐसा है वैसा है वैसा है, अब देख ही लेते कैसा है। सो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह प्ले किए इसके अंदर, काफ़ी मतलब बहुत सारे वीडियोस 4K हो, फुल HD हो, 720p वीडियोस हो, सभी कुछ प्ले किए। एंड मैं बोलूँगा
अगर आप लोग एक ही बंदा हो, एक ही मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए लेना चाहते हो बड़ा मॉनिटर, तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेव क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रहा है। आप लोग अगर साइड से देखेंगे, मतलब आप लोग अगर टीवी के जैसे यूज़ करना चाहते साइड से देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वालिटीज देखने को मिल जाता है, जब फिर आप लोगों को लगेगा वाइट वाइट है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर मॉनिटर मिल रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा मॉनिटर है, जिसको आप लोग अपने टेबल फिर कभी भी रख के वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस वाला मॉनिटर। एंड हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह किया, सो टेस्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो 6000 के अंदर ये वाला मॉनिटर परचेस करना तो कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ की प्राइस जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कभार 6000 दिखाता है, 7000, 8000, कभी कभार 6000 से नीचे भी चला जाता था। बट मैं बोलूँगा कि 6000 में अगर आप लोगों को मिल रहा है तो परचेस कर लो। तो गाइस आप लोगों को अगर ये वाला मॉनिटर अच्छा नहीं लगता है, ढूंढ रहे हो कि और एक मॉनिटर चाहिए, और एक ऑप्शन चाहिए हमें 6000 रुपीस के अंदर, सो हम लोग और एक वीडियो लेके आएंगे, और एक मॉनिटर का रिव्यू टेस्ट चल रहा है उसका भी रिव्यू वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। सॉरी गाइस, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस वाले मॉनिटर का वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आप लोगों के पास वीडियो का लिंक पहुंचे या फिर वीडियो पहुंचे, नोटिफिकेशन पहुंचे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।